नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस को, मैं हूं आपके साथ पल्लवी। झारखंड सरकार ने शिक्षा विभाग में 50,000 शिक्षकों की नौकरी की स्वीकृति दी है। तो आइए, हमारे साथ आप कुछ अभ्यर्थी बनी हुई हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या आप 50,000 नौकरियों को लेकर जो स्वीकृति दी गई है शिक्षकों की बहाली को लेकर के, इससे क्या आप खुश हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नियुक्तियाँ तो निकल रही हैं मगर उसके लिए एग्ज़ाम भी नहीं हो रहा है और ना ही मतलब नियोजन नीति पे सुधार हो रहा है। जो नियोजन नीति बनी है वो तो सामने ही है, जो अभी तक उस पे सुधार नहीं है। बस हाईकोर्ट में भी डेट पे डेट मिल रहा है, ठीक है, सरकारी वकील नहीं आते हैं। मतलब जब से फॉर्म आई है तब से बस डेट पे डेट ही मिल रहा है। पिछले बार हमारे शिक्षा मंत्री आए थे हमारे लाइब्रेरी में, उन्होंने कहा कि आप लोग मन लगा के पढ़िए और एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, हम लोग मन लगा के पढ़ेंगे और एग्ज़ाम भी देंगे, पर एग्ज़ाम तो हो पहले, ना ही एग्ज़ाम हो रही है टाइम पे और ना ही आप लोग बस नियुक्ति निकाल रहे हैं। आप अभी बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। कब से तैयारी कर रही हैं? मेरा तो 2019 से तैयारी है। जब 2000 में लॉकडाउन था, लॉकडाउन के चलते समय तो बहुत चला गया उसमें भी, और टीचर का तो वैकेंसी अभी आई है, और भी तो वैकेंसी होना चाहिए ना। क्या लगता है आपको, क्या इतनी नियुक्ति ही काफ़ी है 50,000 शिक्षकों की जो नियुक्ति बोले जा रहा है, कि या इससे ज़्यादा भी होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये बहुत कम नियुक्तियां हैं। 5 साल में आप 10 साल में आप इतनी नियुक्तियां निकाल रही हैं, उसके बाद भी आप इसमें सुधार नहीं कर रहे, तो ये तो गलत है ना। ये झारखंड का अब तक का दुर्भाग्य रहा है और सबसे ख़राब स्थिति यहाँ पर बहाली का रहा है। अदर स्टेट जैसे कि बिहार यूपी में तो समय समय पर बहाली होता है, यहाँ कुछ भी वैकेंसी नहीं निकलता, निकलता है तो केस हो जाता है। केस हो जाने के कारण हम लोग का समय भी बर्बाद होता है, एज भी चला जा रहा है। इतने साल में जेपीएससी अभी बस 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं ही हुई है, बाकी का जेपीएससी कहाँ गया? बोला था जल्द से जल्द आएगा रिजल्ट जारी होने के बाद। मैंने जेपीएससी मुख्य परीक्षा दी थी, अभी तक उसका मार्क्स भी जारी नहीं किया गया। जेसएससी सीजीएल का बार बार फॉर्म भराता है, फिर रिजेक्ट करता है, फिर फॉर्म भराता है नियोजन नीति, तो ये सब क्या है? बस विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। झारखंड में शिक्षा का स्तर एकदम दिन ब दिन गिरते ही जा रहा है, क्योंकि अदर स्टेट से ही सीखे, दिल्ली में जैसे शिक्षा के लिए किया जा रहा है वैसे झारखंड में क्यों नहीं किया जा सकता? यहाँ भी तो किया जा सकता है ना, लेकिन यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं और मंत्रीगण हैं वो पता नहीं अपने कान में तेल दे के सोए हुए हैं कि क्या यहाँ के भविष्य और बच्चों का जो है करियर एकदम बर्बाद हो गया और चौपट हो गया, और हो ही रहा है। मेरी और बहुत सारी फ्रेंड हैं जो बहुत तैयारी कर रही थी, हम 2016 से लगे हुए हैं, बिहार दरोगा निकाले, बीपीएससी निकाले, फाइनल नहीं हुआ, झारखंड में मेंस भी दिए हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी कहीं नहीं है, अभी भी तैयारी में ही लगे हैं, तो और कितना दिनों? मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे जिनको छोड़ के मैं घर में यहाँ तैयारी कर रही हूँ, लेकिन वैकेंसी ही नहीं है। दूसरा स्टेट में जाते हैं तो जनरल कैटेगरी में फाइट करना होता है, फिर भी निकाल रहे हैं। अगर अपने स्टेट में हो और वैकेंसी मिले तो हम क्यों नहीं अच्छा करेंगे? ज़रूर अच्छा करेंगे और अपने राज्य का नाम रोशन करेंगे और उसकी तरक्की में योगदान देंगे। आगे क्या आप लोग की मांगे हैं, क्या डिमांड है आप लोगों की? हम लोगों की मांगे यही है कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनसे अनुरोध है कि वो मतलब रेगुलर एग्ज़ाम लें, और जो वैकेंसी लगा निकाल रहे हैं उसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं कि आप वैकेंसी तो निकाल रहे हैं लेकिन आप उसका एग्ज़ाम लें और सही तरीके से नियोजन नीतियां जो बना रहे हैं आप सही तरीके से बनाएं और एग्ज़ाम लेकर के हम लोगों को नियुक्ति दें। आप अभी 7th 7th 9th जेपीसी जो हुआ है उसका आपने कट ऑफ मार्क्स भी नहीं निकाला है, और आपने मतलब नियुक्ति पत्र आपने दे दिया, और जो स्टूडेंट अभी जो निकाल चुके हैं उनको तो ये भी नहीं पता है कि वो डिसक्वालीफाई भी हुए हैं तो कितने मार्क्स से हुए हैं। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि आप कब एग्ज़ाम लेंगे और कब हम लोगों को नियुक्ति मिलेगी? जैसा कि हमने अभ्यर्थियों से बात की और उन्होंने उनका कहना है कि आप बोल कर तो चले गए यहाँ पे, जैसा कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने सेंट्रल लाइब्रेरी में कहा है कि आप पढ़िए, पास कीजिए और नौकरी पाइए, जिस तरह से उन्होंने बात कही है, तो इनका कहना है कि आप बात तो बोल कर गए हैं लेकिन एग्ज़ाम लीजिए, कट ऑफ मार्क्स दीजिए, उसके बाद ही तो नियुक्ति मिलेगी। नियुक्ति पत्र तो दे दी जाती है लेकिन आगे की कार्रवाई नहीं की जाती है। न्यूज़ वाइस ऑफ के लिए मैं योगी कुणाल के साथ मैं पल्लवी।